नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज, ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है आधी आबादी की आवाज और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो महिलाएं जो कि सोशल वर्क के फील्ड में काम कर रही हैं। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठी हैं तापसी हालदार विलासपुर से हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं पिछले 10 सालों से, और अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है MSW यानी कि सोशल वर्क में MA किया है, अभी उससे पास आउट हुई हैं। तो आज हम उनसे बातें करेंगे, कुछ आंगनवाड़ी के अनुभव उनसे जानेंगे, कुछ उनको सोशल वर्क से MA करने में किस तरह का अनुभव रहा वो जानेंगे, और फ्यूचर में वो क्या करना चाहती हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तापसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हेलो हल्द्वानी की सभी श्रोता, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे ठीक सामने बैठी हैं बबीता जी। बबीता जी ने भी यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से सोशल वर्क में अभी MA किया है और विलासपुर की रहने वाली हैं, और UPTSU यानी कि उत्तर प्रदेश की जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है, ये एक NGO है जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में न्यूट्रिशन को लेकर काम करता है, तो उसमें पिछले कई सालों से काम कर रही है। बबीता जी से भी हम जानेंगे कि क्या क्या वो आंगनवाड़ी को सुझाव देती हैं न्यूट्रिशन को लेकर। बबीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हल्द्वानी में मेरा सभी को नमस्ते, धन्यवाद। तो सबसे पहले आती हूँ तापसी जी के पास में। तापसी जी, आंगनवाड़ी में 10 साल का जो आपका अनुभव रहा है वो किस तरह का है, कैसी आपकी सोसाइटी है जहाँ आप रहते हैं, किस तरह के बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, महिलाएं किस तरह की हैं, क्या वो बहुत गरीब घरों से होती हैं या सब मिक्सअप होती हैं, जागरूक कितनी होती हैं वो, कितने पिछले 10 सालों में आपने क्या पाया, अगर एक एनालिसिस आप करें उन महिलाओं का, उन लोगों का और आंगनवाड़ी सेंटर्स का, कि ये कितने उपयोगी हुए हैं ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसे बच्चों के लिए। मैम, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं तो गाँव की हूँ और जिस गाँव में आंगनवाड़ी है उसी गाँव की हूँ मैं। अधिकतर तो जो थोड़ा पैसे वाले होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो तो शहर में ही भेज देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, और जो गरीब होते हैं, मजदूर करने वाले, उन्हीं के बच्चे आते हैं। तो मतलब साफ सफाई के बारे में, फिर इस टाइम जो कोरोना चल रहा है उसके बारे में उन लोगों को बताती हूँ, अच्छे से सुनते हैं, वो पालन भी कर रहे हैं। उसके बाद सरकार से हमारे जो योजना दे रहे हैं, आजकल तो राशन वगैरह दे रहे हैं बच्चे को, तो उनका वितरण करती हूँ, वो आते हैं लेके जाते हैं। फिर जो गर्भवती महिला है उनको मतलब न्यूट्रिशन के बारे में बताते हो, किस टाइप से खाना है, कितने बार खाना है, कितने घंटे उनको आराम करना है, फिर जो आयरन कैल्शियम किस तरीके से लेना है, फिर मतलब जो प्रेगनेंसी के जो को 4 जांचें होती है उनके बारे में बताती हूँ, टीका भी लगवाती हूँ उनको। आशा कार्यकर्ता भी होगी वहाँ पर? हाँ, तो उनके साथ हम लोग सपोर्ट करते हैं, हाँ, मिलके काम करना पड़ता है। जी जी। और फिर जो धात्री महिला वो ही होते हैं जो डिलीवरी के बाद 6 महीने तक उनको धात्री महिला कहा जाता जी, है जी। तो उन धात्री महिला को भी इस वक्त क्या क्या पोषण मिलता है वहाँ से? उनको भी मतलब राशन मिल रहे हैं अब। जी, जैसे दलिया मिलता है। दलिया तो अब बंद हो गया, अब तो वही चावल दाल तेल। अच्छा, धात्री महिला को ये मिलता है? हाँ, इनको भी मिलता है, यही गेहूं मिलता है। हाँ, गेहूं चावल। कितना किलो गेहूं मिलता है महीने का? 1.5 किलो। अच्छा, 1.5 किलो गेहूं। गेहूं 1 किलो, चावल आधा केजी, वो रिफाइंड तेल, कभी कभी घी भी मिलता है, तो कभी कभी सरसों का तेल भी। ओके, तो यूपी में थोड़ा सा नियम अलग है। हाँ, उत्तराखंड में दलिया और 1 केजी चने का दाल। अच्छा, और धात्री के बाद जो महिलाएं होती है उसको क्या बोला जाता है, जैसे 3 सालों तक मिलता है? 6 महीने तक धात्री में रहते हैं ना, जी, उसके बाद जाके बच्चों को मिलता है। अच्छा, फिर महिला को नहीं मिलेगा? ना ना ना, 7 महीने के बाद, मतलब 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ के दूध ही देना है ना। हाँ, पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके बाद बच्चे के लिए पोषण मिलता है? हाँ, उसके बाद बच्चे को खिलाने के लिए। जी, तो वो क्या मिलता है बच्चे के लिए? वही सेम ही मिलता है। अच्छा, सेम मिलता है? हाँ, सेम वही मिलता है। ओके, तो उत्तराखंड में तो आपका दलिया मिलता है, किशमिश मिलते हैं। हाँ, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हमारे हाँ सीजन के हिसाब से गुड़ हो गया, नहीं तो यहाँ के जो लोकल जो फूड है, मडुआ है, उसका आटा, दूध, सूखा जो दूध होता है उसका पैकेट भी मिलता है। अच्छा। उनको साफ सफाई के बारे में, जिस बरसात के टाइम
मतलब मच्छरदानी तिरंगा के फिर सोना चाहिए, फिर पानी उनी कहीं पे जमा हो तो उनको मिट्टी डाल के बंद कर देना चाहिए, छोटे मोटे गड्ढे। उस कूलर के पानी हफ्ते में कम से कम 3 बार बदलना चाहिए। हर चीज का मतलब उन लोगों को जागरूकता देते हैं। हाँ, जागरूकता देती हूँ जी जी। हर चीज तो आपके अनुभव अभी आगे सुनेंगे। मैं बबीता जी के पास आती हूँ। बबीता जी, आप कई सालों से एनजीओ में काम कर रही हैं और आंगनवाड़ी को आप लोग पोषण की बात ही करते हैं, थोड़ा बताएं किस तरह का काम है आपका? हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट काम कर रहा है वो ICDS डिपार्टमेंट में सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी है उनको इस तरह की उनकी मेंटरिंग करता है कि वो अपने लाभार्थी तक अपनी पहुंच बनाए। मकसद ये है कि जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं, जैसे यूपी में प्रधानमंत्री के उनके सहयोग से जो अभियान चला गया था पोषण अभियान, वो घर घर तक जानकारी हो उसकी, या जो भी वो यूपी में सरकारी योजनाएं आ रही हैं उसकी पहुंच घर घर तक हो कि सरकार उनको क्या चीज दे रही है। दूसरा, आंगनवाड़ी के थ्रू ही जो न्यूट्रिशन पे काम करते हैं वो न्यूट्रिशन की जानकारी हर घर तक पहुंच हो उनकी। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमारे सहयोगी आंगनवाड़ी दीदी ने बताया कि वो किस तरीके से सपोर्ट करती हैं, और BHND सेशन होता है, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, इसको टीकाकरण दिवस कहते हैं। हाँ, तो इसमें बहुत सारे एक ही जगह पर सारे जो फ्रंटलाइन वर्कर होते हैं, जिसमें एनएम दीदी, आंगनवाड़ी दीदी और आशा दीदी, ये तीनों मिलके काम करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि लाभार्थी को घर से उस BHND तक लाना और वहां पर उनको न्यूट्रिशन और हेल्थ की पूरी जानकारी देना। जी जी। इसमें क्या होता है, दो पार्ट लगाए जाते हैं, आंगनवाड़ी दीदी की तरफ से न्यूट्रिशन पार्ट होता है और आशा दीदी की तरफ से हेल्थ का चेकअप वगैरह उनको मतलब जानकारी दी जाती है। तो न्यूट्रिशन का जैसा भी दीदी ने हमारा बताया कि वहां पर लाकर उनको समझाया जाता है। कई बार क्या होता है, लाभार्थी के घर में न्यूट्रिशन की सारी चीजें हैं लेकिन क्या चीज नहीं है, जानकारी। मानो एक गर्भवती है, उसके पास पैसा भी है, उसके घर में सारी चीजें उपलब्ध हैं, खाने की फल भी हैं, अनाज भी हैं, दालें भी हैं और जो भी उसको चीजें लेनी है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको जानकारी नहीं है। तो वो अपनी प्रेगनेंसी के समय में क्या कर रही है, सिर्फ आलू और रोटी खा रही है, जबकि उसको जरूरत है 5 तरह के पोषक तत्वों की जो उसके और उसके बच्चों को फायदा करे उस प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेकिन उसको जानकारी नहीं है। तो वो सिर्फ एक ही तरह की चीजें या जो उसको पसंद आ रहा है वही चीज वो अपने खाने में ले रही है, लेकिन जो और चीजों की जरूरत है वो उस चीज को नहीं ले पा रही है। तो उसको वहां पर हमें उसको जानकारी देनी है कि उनको समझाना है कि दीदी आपका जो बच्चा आपके गर्भ में है उसका 70% जो उसके दिमाग का विकास है वो आपके गर्भ में ही हो जाएगा, फिर 30% जो विकास होगा वो फिर आगे 2 साल तक। तो ये जो टाइम होता है इसको 1000 दिन का टाइम कहते हैं, गर्भवती से लेके 2 साल तक के बच्चे को। ये जो 1000 दिन होते हैं ये उस बच्चे के लिए उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जो उसका पूरा भविष्य तय करते हैं इस टाइम में, माँ के गर्भ से लेके 2 साल तक। हाँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर यहाँ पर वो गर्भवती या उसकी फैमिली उस पर ध्यान नहीं दे पाती है तो वो बच्चा, या अगर माँ के अंदर खून की कमी हुई तो बच्चे के अंदर खून की कमी हो जाती है, और वही चीज जब डिलीवरी के समय आता है तो कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के समय खून की कमी है, वो उस टाइम नहीं मिल पा रहा है, या बहुत सारी प्रॉब्लम उस टाइम में हो जाती है ऐसी कि डिलीवरी के समय कभी बच्चे की मृत्यु हो जाती है या मातृ मृत्यु हो जाती है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं उस टाइम में जी। तो इसकी जो तैयारी होती है वो पहले से लेके चलते हैं, इसको कहते हैं प्रसव पूर्व तैयारी, उसको हम पहले से ही तैयार करवाते हैं कि उस समय डिलीवरी के समय में ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो क्या तैयारी होती हो प्रसव से पहले? अगर प्रसव से पूर्व जैसे अभी दीदी ने बताया था 4 तरह की जांचें होती हैं, जिसमें से हमें पता चला कि गर्भधारण हो गया है। हाँ, सबसे आपका काम शुरू हो जाता है, रजिस्ट्रेशन भी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है सबसे पहले गर्भवती। तो आंगनवाड़ी क्या उसका रजिस्ट्रेशन करती है सबसे पहले? पहले हमारी रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद हम एनएम दीदी को बताते हैं, आशा लोगों को बताते हैं, फिर उन लोग भी करते हैं, उस हिसाब से फिर हमारा काम शुरू हो जाता है। जी जी। अच्छा, एएनएम के लिए तो बहुत बड़ा एरिया होता है, क्या इतनी जल्दी अवेलेबल हो जाती है एएनएम? उनका तो महीने में एक एक सेंटर पे एक एक दिन का टीकाकरण होता है ना। वो तो उस हिसाब से करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं हम। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद फिर उसकी खुराक जो भी है वो शुरू होगी, दवाई तो क्या देते हैं सबसे पहले उनको? जैसे सबसे पहले जैसे ही उनका गर्भ का गर्भवती का गर्भ का पता चला, उसका रजिस्ट्रेशन कराया और उसको टीकाकरण सेशन पे लेके आए, BHND पे सेशन पे लाके वहाँ उसकी जांचें होती हैं, BP की जांच, पेशाब की जांच, पेट की जांच, और उसको टीका लगता है TT का।
जो टिटनी से बचाता है जी। एड्स की भी जांच होती है जी जी, एड्स की भी होती है जी। और उनकी भी। इसके साथ ही उसको 3 महीने तक आयरन फॉलिक एसिड दी जाती है जो उसके माँ को तो फायदा करती है लेकिन बच्चे के मानसिक विकास में वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है फॉलिक एसिड जी जी। हाँ फॉलिक एसिड जी, सिर्फ फॉलिक एसिड हाँ, हाँ। और उसके बाद 4 महीने के जैसे ये डिवाइड कर रखा है कि जो पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, इन 3 तिमाहियों को डिवाइड कर रखा है कि पहली तिमाही पे क्या होना है, फिर दूसरी तिमाही पे उसको किस तरीके से जानकारी देनी है, और फिर लास्ट तिमाही। जो लास्ट तिमाही होती है वो जीवन के माँ और बच्चे के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जी। तो पहली तिमाही में क्या होता है, जैसे टीटी लग गया, आयरन फॉलिक एसिड खा ली, उसके बाद खाली फॉलिक एसिड, अच्छा फर्स्ट, उसके बाद अगले तिमाही में अगले आयरन फॉलिक एसिड देते हैं, अच्छा कैल्शियम भी देते हैं, कैल्शियम जी। अमूमन कितना हीमोग्लोबिन कितना रहता है वहाँ पर महिलाओं का? हाँ, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो नॉर्मल होना चाहिए वो 12 से या 11 से ऊपर होना चाहिए गर्भवती का या नॉर्मल का भी, लेकिन ज्यादातर समस्याएं सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन पे आती है। जैसे अभी मैंने कहा था कि उनके घर में है तो सारी चीजें लेकिन जानकारी नहीं है, तो यही चीज उनको समझाया जाता है, उसमें होम विजिट के थ्रू भी बताते हैं कि अगर आयरन की कमी, जैसे जब BHND पे आती है गर्भवती तो ज्यादातर महिलाओं में 8 ग्राम 9 ग्राम इस तरीके से हीमोग्लोबिन निकलता है, बहुत कम ऐसी होती है जिनके सही होता जी। है जी, तो उसको बढ़ाने के लिए आप लोग क्या टिप्स देते हैं उन्हें, जैसे घर की चीजों में किस किस चीज में आयरन होता है? साग सब्जी जी, यही ज्यादातर साग सब्जी, स्थानीय खाद्य समूह, हरी हरी साग सब्जी, हाँ वही जो घर में जो गरीब होते हैं उनको तो कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो भी साग सब्जी है तुम उनका कटोरी भर भर के उसे खाओ जी, जी सब्जी ज्यादा खाओ, हाँ सब्जी ज्यादा खाओ, साग ज्यादा खाओ, पालक, भतुआ, भतुआ जब ठंड के टाइम हो तो भतुआ की कहती हूँ, इस हिसाब से कहती हूँ, और थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह भी ले लो। अच्छा, नहीं बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे स्थानीय में कि जो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ा सकती हैं, जैसे कि पालक हो गया, हर जगह या हम अपने घर में ही लगा सकते हैं उसको, हाँ पालक है, दूसरे हरी पत्तेदार साग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मतलब इतना महंगा भी नहीं है और आसानी से मिल जाता है, सीजनल हिसाब से भी देखते हैं तो बहुत से मिल जाते हैं हमें। दूसरा जैसे गुड़ चना है, उसके माध्यम से खून बढ़ा सकते हैं, और मतलब इसी तरीके से आयरन की गोलियां मिलती हैं, जो 180 गोलियां मिलती हैं, 360 गोली उसको पूरे गर्भकाल में खानी होती अच्छा, है जी जी। वो उसको सादा पानी से या नींबू पानी से अगर वो खाती है तो विटामिन सी के साथ में वो ज्यादा फायदा करती अच्छा, है अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरा उसको कैल्शियम की गोली भी दी जाती है, कैल्शियम की गोली उसको भी 360 खानी होती है, एक गोली सुबह और एक गोली शाम, दोनों को मतलब साथ में नहीं लेने के लिए मना करते हैं कि कम से कम 4 घंटे का अंतर हो। तो ये हो गया पूरा पहले तिमाही में, दूसरा तिमाही, फिर आखिरी तिमाही आपने कहा कि बड़ा नाजुक होता है, क्या इस बीच में अल्ट्रासाउंड वगैरह भी आपको कराते हैं? हाँ बिल्कुल, तो 5 महीने में अल्ट्रासाउंड? नहीं, एक तो मतलब डिलीवरी के 3 महीने के अंदर एक करते हैं और डिलीवरी से पहले एक, कि बच्चे मतलब मूवमेंट कैसा है बच्चे। अच्छा, डिलीवरी के 3 महीने बाद भी करवाते हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा पहले ही मतलब प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद पहले, हाँ उसके बाद फिर प्रेगनेंसी से थोड़ा पहले, हाँ 15 दिन पहले जी। तो ये सुविधाएं वहाँ पे आसपास में उपलब्ध होती हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हैं, तो ये सुविधाएं हैं आसपास? नहीं है, वहाँ पे गांव है और शहर जाना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब कहाँ कहाँ जाते हैं? बिलासपुर में, हाँ। अल्ट्रासाउंड के लिए CHC पे जाते हैं, उसके अलावा जैसे जो गांव में सब सेंटर है, PSC है, यहाँ पर डिलीवरी की सुविधा होती है, जो सब सेंटर है वहाँ पर NM रहती हैं, कि जैसे अचानक से अगर किसी को जरूरत पड़े और सवारी की या किसी चीज की जरूरत नहीं है व्यवस्था, तो वहाँ पर वो NM हमेशा 108 पे कॉल करके बुला लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितना अगर हम देखें रेशियो जो है ना मृत्यु दर का, प्रसव के दौरान मृत्युआं हुआ करती थी, डेथ पहले से बहुत कम है, कितना कम आया है, कितना? बहुत कम है पहले से, पहले से हाँ बहुत अंतर, बहुत अंतर है पहले से। अभी जो जिनकी डेथ हो जाती है उसके क्या रीजन रहते हैं, अभी भी जिनकी डेथ हो रही है इतना सब कुछ करने के बावजूद? उनका रीजन यही होता है, जो डेथ होती है जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी, खून की शरीर में ज्यादातर कमी होती है, या महिला का अपने गर्भावस्था में अच्छे से ध्यान ना देने की वजह से बच्चे का
कम वजन होना जो कुपोषण का भी आगे चल के कारण बन जाता है, वो रीजन भी बहुत ज्यादा रहता है। उसके लिए भी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एसएनसीयू है जिसमें 28 दिन तक के बच्चे को एडमिट किया जाता है। कमजोर बच्चे को जो कि 2.5 kg से कम या 1.5 kg से भी ज्यादा कम होता है उसको एसएनसीयू में रखा जाता है। जी जी, तो कुपोषण को लेकर भी काफी काम है ना आंगनबाड़ी में और आप लोगों का। हर महीने मतलब वजन लेते हैं हम, जो रेड कैटेगरी के है और एक रेड कैटेगरी का और एक येलो कैटेगरी का और एक ग्रीन होता है। अच्छा। जो ग्रीन होता है वो सामान्य में होता है। हाँ। और जो येलो होता है वो कुपोषित होता है मतलब। अच्छा। और जो रेड होता है वो अति कुपोषित होता है। तो सबके लिए आहार अलग अलग मिलता है। हाँ, उनका जो रेड कैटेगरी के उनके डबल देते हैं हम राशन। जी जी जी। आंगनवाड़ियों पर ये भी कहते हैं कि अपना खा लेती हैं और समय पे देती नहीं है, ऐसा कुछ होता है या ऊपर से ही कई बार राशन नहीं आता? जैसे कोविड काल में क्या राशन मिला ऊपर से? कोविड काल में तो सही दे रहे राशन। अच्छा, अब ठीक दे रहे, हर महीने महीने ही भेज रहे। जी 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 जी। लेकिन इससे पहले तो थोड़ा मतलब था। जी जी, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में है कि बीच में समूह जो होते हैं स्वयं सहायता समूह, उनको जिम्मेदारी दे दी थी कि उन्हीं को दे दिया। अच्छा, वहाँ पर भी उन्हीं लोग पैकेज बना के उसके बाद ही तो वो पैकेट आपने पकड़ा दिए, मतलब वो हमारे साथ, हम उनके साथ रह के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी जी जी। मुझे समझ आया कि चावल क्यों मिलता है और तेल क्यों मिलता है, जैसे कुछ पोषण वाली चीजें मिलती इसके बजाय, जैसे हमारे यहाँ मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक चीजें मिल रही है। नहीं नहीं, वहाँ पर भी यूपी में भी पहले पैकेट वाला आता था जिसमें सभी तरह का, जैसे यहाँ पर अलग अलग उत्तराखंड में अलग अलग दिए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कई बार ये होता है कि अलग अलग नहीं बना पाते हैं लाभार्थी, तो अगर मिक्स होगा तो वो उस दलिया को आसानी से 10 मिनट या 20 मिनट में बना के और आसानी से खा सकते हैं। मिक्स होगा तो क्या होता है कि मिक्स में सभी तरह के न्यूट्रिशन हो गए, तो मिक्स क्या मिलता है? तो आपके वहाँ मिक्स दलिया मिलता है क्या? हाँ, पहले मिक्स दलिया था, वो 3 तरह का आता था हर लाभार्थी के लिए, जैसे गर्भवती के लिए अलग 3 पैकेट और धात्री 0 से 6 महीने तक की बच्चों की माताओं के लिए 3 पैकेट अलग, और फिर उनसे बड़े बच्चों के लिए अलग 3 तरह के पैकेट। जी, जी, जी। लेकिन वहाँ के जो कम्युनिटी की जो डिमांड थी, सरकार ने उसको देख के ही ये चीजें चेंज की हैं। अच्छा। हाँ, उनका ये कहना था कि आप हमें ये चीज मतलब इस तरीके से भी दे सकते हो, तो इसलिए ये चीज है कि गेहूं और अनाज जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। उन लाभार्थी की अपनी मतलब इच्छा है कि वो किसी भी तरीके से उसको बना के खा सकते हैं। हाँ, दलिया बना लें या ये तो रोटी बना। हाँ, उसके साथ सूखा दूध भी आता है, वो चाहे तो दलिया बना के सूखे दूध में दलिया बना के खा लें, चावल की खीर बना के खा लें, या खिचड़ी बना के, जैसे दाल दे रही है सरकार तो दाल बना के खा लें, तेल देती है तेल से बसा मिलता है, तो वो मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी अपनी उनकी इच्छा है कुछ भी बना के वो उसको यूज कर सकते हैं और खा सकते हैं। जी जी, आपका टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है बबीता जी, जिस एनजीओ में आप काम करती हैं, तो टेक्निकली आप लोग क्या सपोर्ट करते हैं? ये तो हो गया पोषण की चीजें। हाँ, टेक्निकली क्या कोई कंप्यूटर चलाना उनको सिखा रही हैं या किस तरह का मतलब? हाँ, टेक्निकल हमारा ये हो गया कि हम आंगनवाड़ियों को टेक्निकल सपोर्ट उनकी हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग करते हैं ताकि उनकी अपने काम पे पकड़ अच्छी रहे, कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि काम में अगर रिफ्रेश ना हो तो वो चीजें छूटने लगती हैं, तो यही हमारी आंगनवाड़ियों के साथ हो रहा था कि काम तो वो कर रहे थे लेकिन रिफ्रेश होने की ना वजह से वो उस चीजों को, कुछ कुछ चीजों को छोड़ रहे थे। तो हमारा टेक्निकल इनका डेटा पर भी है, अब जैसे इनका पोषण ट्रैकर आया है आंगनवाड़ियों का, तो उसमें अब इनको क्या करना है कि अपना डेटा सारा जो ये रजिस्टर बनाते थे 11 प्रकार के, वो रजिस्टर पे अपडेट ना करके अब ये अपना पूरा डेटा अपना पोषण ट्रैकर पे अपडेट कर रहे हैं, जिसमें वजन भी है, रजिस्टर भी है, इनके एमपीआर भी उसमें है, उनका पूरा सारा पोषण वितरण टीकाकरण सारा कुछ उस पोषण ट्रैकर में आ रहा है। अपने रजिस्टर में आप दर्ज करते हैं? नहीं, पोषण ट्रैकर ऐप है। अच्छा, ऐप है। हाँ, उसमें अच्छा, तो आपको सिस्टम तरफ से पोषण ट्रैकर ऑनलाइन है, उसे ऑनलाइन हम उनको भरते हैं। तो कंप्यूटर क्या आपको मिले हुए हैं या अपना ही यूज करते हैं? नहीं, फिलहाल तो अभी फिलहाल अपने ही फोन यूज करते हैं। अपने ही फोन कैश आया था उसमें, यूपी में आया था ICDS कैश, उसमें फोन दिए गए थे और उसमें ही इनको अपना डेटा सबमिट करना था। हाँ, फिट करना था,
वो फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई उसमें, टेक्निकल या किसी तरीके की प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से वो नहीं चल पाए, तो अब पोषण ट्रैकर स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो उसमें हम सारा डेटा दर्ज करते हैं उसमें, तो आप इनको हेल्प करते होंगे कैसे क्या करना है। हाँ, वो भी है इनके रजिस्टर में, वो तो अभी आया है पोषण ट्रैकर, अभी आया है 2021 में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, उससे पहले ही हम, जैसे हम 2016 से काम कर रहे हैं, तो हम इनको टेक्निकल सपोर्ट, मतलब हो गया कि इनको हर तरीके से टेक्निकल बनाना, चाहे वो होम विजिट में टेक्निकल करना है कि इनको अपने लाभार्थी से किस तरीके से काम करना है, इनको कैसे काउंसलिंग करनी है लाभार्थी की, उनकी बातों को समझना है, सुनना है और फिर इनको उसका उत्तर देना है। जी, वो चीज हो गई। इनको अपने रजिस्टर अपडेट करने हैं, वो चीज टेक्निकल सपोर्ट में आ गई। और मीटिंग करके जरिए, जो हम इनकी सेक्टर मीटिंग करते हैं, उस सेक्टर मीटिंग में इनको टेक्निकल बनाना है कि मतलब बहुत तरीके से, जैसे माइसिन पे काम कर रहे हैं, तो माइसिन हो गया मैटर्नल इन्फेंट यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन, जी तो उस पे इनको किस तरीके से हम टेक्निकल करें। नहीं, मैं हम समझ गई कि आपका क्या क्या काम है। तो तापसी जी से ही पूछना चाहती हूँ कि इनके आने के बाद कितना सपोर्ट आप लोगों को मिला है। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मतलब जैसे हर तरीके से, हम जो नहीं समझ पाते थे वो तो मैडम लोग कभी कभार कोई ट्रेनिंग कर दिया तो उसी में थोड़ा बहुत सिखा दिया, लेकिन इन ये पोषण शेखी के आने के बाद से मतलब हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट मिला हर तरीके से। जी, तो अगर इस तरह के लोग मिलते हैं तो थोड़ा सा काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। इनके हम जो बने, इनकी पोषण सखी, हम इनकी सखी बन के काम कर रहे हैं इनके साथ में। बहुत पोषण हमारा काम है, पोषण और सखी इनकी दोस्त बन के काम कर रहे हैं, ताकि हमें भेदभाव ना रहे, कोई झिझक ना रहे दोनों में। बिल्कुल। अब तो खैर पढ़ी लिखी, काफी अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं ही होंगी आंगनवाड़ी में, लेकिन थोड़ा समझ, हमने जब ग्रेडिंग की आंगनवाड़ियों की तो उसमें हमने दो ग्रेड, मतलब ए ग्रेड और बी और सी, तीन ग्रेड में निकाला था। तो उन सी ग्रेड में निकाल के और बी ग्रेड में जो हमारी अच्छी आंगनवाड़ी थी वो तो ठीक थी चलो, लेकिन जो बी और सी ग्रेड की थी तो उनपे हमें थोड़ा फोकस ज्यादा करने की जरूरत थी। तो उनके जैसे होम विजिट में बार बार सपोर्ट करना और मीटिंग में उनको बार बार समझाना, ताकि वो भी मतलब बी और ए में आ जाए। हाँ, आपका टीम कितनी है वहां पर जितना काम करते हैं आप लोग? हम जो काम कर रहे हैं यूपी के 25 जिलों में काम कर रहे हैं, यूपी टीएसयू चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में यूपी के 75 जिलों में ये काम करने लगेगा। ये बिल गेट्स और उनका एनजीओ, उनके फाउंडेशन से ही है। जी। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत सारी खबरें आपने सुनाई है, बहुत कैसे कैसे आप लोग काम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो बबीता जी, कुछ और अगर आप बताना चाहें आंगनवाड़ी से संबंधित, पोषण से संबंधित कोई नई चीज, कोई नई बात आप बोलना चाहें? अभी जो सप्ताह चल रहा है वो स्तनपान सप्ताह के नाम से जाना जाता है। जी, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। इसमें क्या होता है, स्तनपान 0 से 6 महीने तक के बच्चे को सिर्फ केवल स्तनपान, जिसमें पानी, घुट्टी, शहद कुछ भी नहीं देने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, संक्रमण होने का खतरा रहता है या ऊपर का दूध बच्चे को हजम नहीं होता है तो कई बार वो बीमार हो जाता है, उस बीमारी की वजह से मतलब बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं बच्चे को। तो इसलिए केवल माँ का दूध, माँ का दूध क्या है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है, सर्वोत्तम आहार कि उससे बेहतर कुछ नहीं, वो बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से विकास करता है, सिर्फ माँ का। बच्चे का पहला टीकाकरण है जी दूध, माँ का दूध बच्चे का पहला टीकाकरण। क्या बात है, ये स्लोगन के तौर पर इसको आप लोग यूज करते हैं। क्योंकि डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर ही माँ का स्तनपान करवाना बहुत जरूरी है। तो अक्सर हम देखते हैं ना, जब सरकारी अस्पतालों में हम डिलीवरी कराते हैं तो वहाँ पर नर्स लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि माँ कई बार ऑपरेशन से हुआ रहता है बेबी, तो इतनी देर में वो दूध से लगाते हैं कि मुझे लगता है वो पहले होता था, लेकिन अब आशा बहने जब से मतलब ये काम कर रही है तब से मतलब वो डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर ही वो पिला देती है। जी, तो जो पहला पीला गाढ़ा दूध है वो उनके लिए ज्यादा, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, पीले गाढ़े दूध को कोलेस्ट्रॉल। क्या वो 1 ही घंटे तक अवेलेबल होता है अगर थोड़ा देर में पिलाएं तो? ना, क्योंकि 1 घंटा तो मुझे लगता है कि बहुत ही नामुमकिन सा रहता है। बच्चा अगर जब पैदा हो रहा है उसके बाद कई देर तक वो डॉक्टर्स के पास रहता है, तब जाके वो बच्चे माँ के सुपुर्द करते हैं उसे, तो तब तक तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो जाता है कई बार। ज्यादातर तो हम वही कहते हैं कि जल्दी जल्दी मतलब 1 घंटे के अंदर ही पिलाना, अगर 1 घंटे के बाद पिलाया अच्छा, फिर उतना
सरकारी नहीं, नहीं हुआ नहीं, होता है, काम करता है वो, काम होता है, लेकिन एक घंटे के अंदर पिलाना वो और ज्यादा काम होता जी है। जी कई बार हम देखते हैं कि बच्चे को आदत नहीं होती है तो वो एकदम से जैसे मुंह में भी नहीं लेता, सक भी नहीं कर पाता, कई बार कई कई कंडीशंस होती हैं, ऐसे कंडीशंस में फिर हम कैसे पिलाएं? किसी का जो सहयोगी होता है, जैसे अगर आशा या आंगनवाड़ी साथ में गई हैं तो वो हेल्प करके सपोर्ट करके महिला को और बच्चे को स्तनपान से लगा के और हल्का सा पुश या दबा के उसको पिलवा सकती हैं, चाहे एक ही बूंद उसके मुंह में जाए वो एक बूंद ही उसका पहला टीकाकरण का काम करेगा। जैसे अगर नहीं मतलब वो नहीं पी पा रहा है तो कभी कभी हम निकाल के कटोरी में फिर चम्मच से भी पिलाने को कह देते हैं। अच्छा अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। जी जी तो स्तनपान सप्ताह के बारे में कुछ और बताएंगे कि कब से ये शुरू हो रहा है, इससे कितना फायदा हुआ है इस सप्ताह को मनाने से? ये वैसे तो इस टाइम में गर्मी में हम मार्च से लेके अगस्त तक इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। मार्च से लेके इसलिए फोकस करते हैं कि मार्च से गर्मी स्टार्ट होती है और गर्मी में ज्यादातर क्या करते हैं परिवार में जो लोग होते हैं वो बच्चे को कि बच्चे को गर्मी लगी है इस वजह से वो ऊपर का पानी पिलाना या कोई ना कोई चीज तरल पदार्थ बच्चे को दे देते हैं कि बच्चे को प्यास लगी है या होंठ सूखे हुए हैं, पपड़ी जमी हुई है तो उसको गीला करना, इस ये उनकी मिथक होते हैं कि अच्छा, बच्चे तो गीला को प्यास भी नहीं करना है ना, ना ना बिल्कुल ना, ना, नहीं ना। एक बूंद भी पानी नहीं देना उसको, जितना प्यास लगी है माँ के दूध में क्या होता है ना, माँ के दूध में जितने बच्चे की प्यास है वो प्यास के लिए उतना ही पानी है जितनी बच्चे को जो जो चीजों की जरूरत है, जिस पोषक तत्व की बच्चे को जरूरत है 6 महीने तक वो सारी चीजें माँ के दूध में प्राकृतिक रूप से अवेलेबल होती हैं, सारी चीजें, चाहे वो पानी हो, माँ बच्चे की प्यास हो, चाहे उसके लिए पोषक तत्व की जरूरत हो, वो सभी चीजें उसमें पूरी होती हैं। चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहें हल्द्वानी के श्रोताओं के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए? मैं सिर्फ इतने ही कहूंगी कि मैं न्यूट्रिशन पे काम करती हूँ तो मैं पोषण पे ही जानकारी देना चाहूंगी कि हमारे आसपास ही हमें जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारा महंगा ही खरीदें जी और फिर उससे अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करें, क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे मिलते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है आप तो बताने आए हो, तो मेरा सिर्फ यही संदेश है कि हमें महंगी चीज लेने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास जो चीजें हैं हम उससे ही अपना पोषण और अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए हम जो कमा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हमारा पोषण जरूरी है, अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, तभी दुनिया है, तभी जहान है। तापसी जी, मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को कि बेटियों बेटियों को कभी मतलब बेटे से कम मत सोचिए, उनको हमेशा सपोर्ट कीजिए पढ़ाई में, हर किसी चीज में। ये मत कहिए कि तुम बेटी हो तुम मतलब लड़की हो तो लड़कियों की तरह रहो, ऐसे कुछ नहीं है। बेटियों को पढ़ाओ तो देखो आप बेटे से भी कम नहीं है बेटियां। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप दोनों का ही, तापसी जी बबीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रेडियो स्टेशन में आने के लिए, यहाँ से इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, आपके फीडबैक से हमारा मनोबल बढ़ता है। और हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, आप अपने कमेंट अपना फीडबैक हमें वहां दे सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।